मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम अवधेया के साथ आपका होस्ट अरुण यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाजरीन, आज नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के प्रेसिडेंट जनाब सलीम शाकर साहब, और आज उनके साथ हमारी मुलाकात इस हवाले से है और ख़ास करके वो आज इस मकसद के लिए नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में आए हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि सानिया जड़ावाला जो है वो एक बहुत बड़ा और तकलीफ दे जो वाक़या है वो मसीहियों के साथ वहाँ पे रोनमा हुआ, लेकिन आज वो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं इस मकसद के लिए कि वहाँ पे जो दुख और जो दर्द, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ थीं वो आज वहाँ पे खुशियों का एक जो शादियाना है वो बजाने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम जो है वो जनावाला में इज्तमाही शादियों का एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो बेटियाँ हैं जिनके जहेज को सानिया जड़ावाला के दौरान में जलाया गया और वहाँ पे एक परेशानी थी, एक मुसीबत थी कि किस तरह से उनकी शादियाँ जो हैं वो हो पाएंगी, लेकिन क्रिश्चियन फेलोशिप जो है इन्होंने ख़ास करके इसी मकसद के तहत वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया ताकि उन बच्चियों के जो घर हैं उनको बसाया जा सके। तो आए नाज़रीन उनसे बात करते हैं और इन शादियों के बारे में उनसे जानते हैं। सलीम साहब, सबसे पहले तो सर मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और उसके बाद आप यहां पे हमारे नाज़रीन को आज ये बताएंगे कि क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप है क्या और इसका जो तारुफ है ये कब वजूद में आई या इसका जो काम है वो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल टीवी, उसकी पूरी टीम का, डॉक्टर सदागर साहब का, आपका भाईजान, कि आपने मौका दिया कि हम क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के हवाले से और जो इज्तमाही शादियां हो रही उस हवाले से हम अपने ना मसीही बहन भाई को और दोस्तों को बता सकें कि वो हम क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह के आपने पूछा है कि क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप किस तरह बनी और किस तरह कैसे वजूद में आई, तो ये जब 2021 में मैं पाकिस्तान का पहला क्रिश्चियन था जिसने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरफेथ हार्मनी का कन्वीनर बनाया गया और उसमें मुस्लिम लोग भी जो थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी, सिख भी मेरे साथ टीम में शामिल थे। और वहाँ जाके जब हमने वो चैम्बर के सियासत में इन चैम्बर का जाना ना शुरू हुआ, हमें पता लगा कि उधर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बने हुए हैं, कोई पियाफ ग्रुप है, कोई फाउंडर ग्रुप है, कोई कायद अजम ग्रुप है, मुख्तलिफ़ बिजनेस मैनों के ना ग्रुप्स हैं, लेकिन हमारे क्रिश्चियंस का कोई ना कोई उधर कोई इतना ज़्यादा आना जाना था ना कोई ग्रुप। हालांकि बड़े बड़े पुराने लोग बड़ी देर से चैम्बर्स के मेंबर भी हैं लेकिन चैम्बर की पॉलिटिक्स में, चैम्बर के मामलात में चैम्बर कोई नहीं था जाता था ना। तो जब मैंने देखा उधर तो फिर हमने कहा कि हमारा जो क्रिश्चियंस हैं दोस्त जो कारोबार कर रहे हैं उनका एक इधर हम भी अपना एक ग्रुप बनाएं, एक तंजीम बनाएं ताकि वो हमारी पहचान बने। सलीम शाकर आज है इधर कन्वीनर, कल को नहीं हो सकता, कोई और दूसरा उसके यहाँ पर तीसरा चौथा आ सकता है, लेकिन जो एक तंजीम बन जाए ना तंजीम का नाम आगे चले, तंजीम चले, हमारी मसीहत की पहचान यही है कि हम अपने क्रिश्चियन नाम को आगे लेकर चले। जी बिल्कुल। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप है इसमें कितने हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं? इसमें जो हमारी बेसिक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसमें 12 लोग हैं। अच्छा। जिसमें मैं हूँ प्रेसिडेंट, मेरे साथ तैमूर सिंधु साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुहेल आलम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा। उसमें काशिफ नेमत साहब हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, सलोमी शहरून है वो वाइस प्रेसिडेंट है, सैमा सैमूर वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। सही। और भी जो दोस्त हैं हमारे साथ, पूरी टीम, एक टीम है, पूरी टीम है। अच्छा सलीम भाई, ये बताएं कि ये जो आपकी पूरी टीम है क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप, इन्होंने सानिया जड़ावाला के बाद वहाँ पे जो इज्तमाही शादियाँ करवाने का जो डिसीजन है या ये जो मैं कहता हूँ कि इनिशिएटिव है, वो मतलब क्या सोच के लिया? जब हम ये सानिया वाकया हुआ तो हम उससे अगले दिन उधर गए थे जड़ावाला, तो हमने देखा था कुछ बच्चियाँ जो है ना हाथों पर मेहंदियाँ लगी हुई थी, हमारी वाकफ भी नहीं थी और गले लग लग के ऐसे रो रही थी जैसे रिश्तेदारों को सगे आ गए हैं और वो उनके साथ, और वो हमें बड़े उस वक्त ना हम बहुत परेशान हो गए उधर से वापस आए। तो जब हम वापस आए तो हमने अपनी टीम को ये जो हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप का जो ग्रुप है इसके साथ जब मीटिंग की को हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि हम देख रहे थे उस दिन सेकेंड डे से लोग कोई राशन लेके जा रहा था, कोई सामान दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था,
बड़े लोगों ने उधर बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बहुत ज़्यादा लोगों के हेल्प की है, तो ये बड़ा अच्छा देखने में आया कि हमारी मसीह जो कौम है उनका जज्बा बड़ा कमाल है। उन्होंने लोगों को अपने को इस मुसीबत की घड़ी में उनका, जिसके पास घर में एक छोटा सा बर्तन भी था, वो उसकी भी कोशिश थी कि मैं उनको दे आऊँ ताकि वो जो बेघर हो गए, जिनका हर चीज़ जल गई लुट गए हैं, वो हो जाए। हमने सोचा कि हमने बेटियों की ना बाकायदा एक पूरी शादी कराएंगे, उसके लिए हम उनके जो मुतलका पास्टर्स थे वहाँ के 10 पास्टर्स की एक ना कमेटी बना दी। पहले हमारा इरादा था कि वहाँ ना हमने पहले 5 शादियाँ कराएंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते ये 9 शादियों पे चला गया। अच्छा, जिस दिन हम 9 शादियों का हमने किया ना, तो लास्ट टाइम 2 बच्चियाँ और बीच में आके बैठ गई। हमारी खातून जो वाइस प्रेसिडेंट स्वामी, उनका वो कपड़ों का नाम माप वगैरह लेने के लिए गई ना। अच्छा अच्छा, तो हमने कहा जी आपका तो इसमें है ही कोई नहीं, नाम नहीं है लिस्ट में, नाम नहीं लिस्ट नहीं है, तो लाजम माफ़ी चाहते हैं कि हमने जो कि जिस जिन जिन लोगों से कमिटमेंट की उनको ही करना है। उनमें से एक बच्ची के जिसका वालद भी नहीं था, वालदा भी नहीं था और भाई भी नहीं था, उसके बहन और भुनोई उनके पास रह रही थी, और एक बच्ची का वालद था लेकिन भाई कोई नहीं था, वालद वालदा इंतहाई बूढ़े थे। वो बेचारे माई उधर जो थी उसकी वालदा, वो रोई जा रही थी कि जी हमने कराची तक अपने रिश्तेदारों को बता दिया, मैं तो पास्टर साहब ने कह दिया था जी बच्चियों की शादी, मैं जी हमने तो कहा था जो होगी फाइनल, लेकिन हमें घर आके भी ना सुकून नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि जी ये जो 9 की शादी वो कौन सी, हम खुद करा रहे हैं, हम तो खुद एक बंदा छोटा से घर में फंक्शन सालगिरह का वो भी नहीं कर सकता जो आजकल हालात हैं। जब खुदाओं ने हमारी ड्यूटी लगाई है तो जहाँ पे वो दूसरी 9 के लिए मुहैया करेगा, इन दोनों के लिए भी कर देगा। तो जब उनको हमने ये बात बताई ना, तो इतने ज़्यादा खुश और इतनी ज़्यादा हमें दुआएं दी कि उन्हीं दुआओं की वजह से खुदाओं ने आज उनके लिए भी बंदोबस्त उसी तरह हो रहा है। उसी के नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी सलीम भाई बता रहे हैं ना, और ये एक ये पंफलेट है मेरे सामने, और आप इसको नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पे देखेंगे भी, और इसके ऊपर जो उन्होंने लिखा है कि आओ मिलकर खुशियाँ बांटें, और क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के संग सानिया जनावाला में जिन बच्चियों के जहेज का सामान जलकर राख हुआ, उन उदास और मायूस चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए आगे बढ़े। ये बड़ा ज़बरदस्त एक पंफलेट उन्होंने तैयार किया, और ये पूरी टीम इस काम के लिए जो है वो कोशा है। और जैसे उन्होंने बताया कि पहले हमने 5 बच्चियों की शादी का इंतज़ाम करने की कोशिश की, उसके बाद फिर 9 हो गई, और फिर उसके बाद 11। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 बच्चों की शादी करना एक वक्त में बहुत मुश्किल है, लेकिन सलीम भाई हम आपकी काविश की दाद देते हैं, और इस बात के भी आपके लिए दुआगो हैं कि खुदा आपको इस मकसद में कामयाब करें कि आज आपने 11 बच्चियों की शादियां करवाई, कल को आप और ज़्यादा जो है वो बच्चियों की शादियां करवा सकें। तो आप हमें ये बताएं कि इस शादी के प्रोग्राम में जो लोग आपका हेल्पिंग हैंड बने हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने तय कर लिया ना, और बच्चियाँ भी डिसाइड कर ली कि इनको, फिर उनके जेज का मसला हमने इनको देना क्या है, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि आपने ना लिस्ट बनाए कि जो बेटी ये बना सोच के आपने लिस्ट बनानी है कि हमारी अपनी बेटी की शादी है और उसको क्या क्या चाहिए होता है। सही। तो फिर उसने अपने हाथ से वो मेरे फ़ोन में लिस्ट, एक छोटी छोटी चीज़ भी जो बेटियों की बेसिक ज़रूरत होती है, जो जो होती है, उसने वो सारी लिस्ट बना के दी और उसी लिस्ट पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। सही। उसमें दोस्त हमारे साथ मिलते गए, आपके पास गए, आपने कहा जी ये पंखे जो है ना 11 बेटियों को मैं पंखे दे रहा हूँ। सही। दूसरे भाई के पास गए, उसने कहा जी ये जो 11 बच्चियों को वाशिंग मशीन मैं दूंगा। सही। किसी ने कह दिया कि जी ये जो है ना, और इसी तरह हम दोस्त मिलकर काम करें ना, तो हमारी कोई एनजीओ है ना, हम पास्टर्स हैं। सही। दोस्तों के ग्रुप है और दोस्त मिलकर कर रहे हैं सारा कुछ इसको। नाज़रीन, ये बड़ी एक अहम बात है कि सलीम भाई ने भी कहा कि ना हमारी कोई एनजीओ है, ना कोई मतलब पास्टर्स की कोई पूरी टीम है, लेकिन जहाँ पे चंद दोस्त मिल जाते हैं और किसी काम करने का जो एका है वो कर लेते हैं, तो समझ लें कि वो काम जो है वो हो जाता है। तो जैसे अभी ये बता रहे थे कि सामान की लिस्ट उनकी मिसिज ने बनाई, तो ये वो लिस्ट है, आप नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर इसको देखेंगे भी। और मैं समझता हूँ कि सलीम भाई ये आपने बड़ा अच्छा किया
कि एक बकायदा आप लिस्ट यहाँ पे लेके आए ताकि स्टूडियो में हम इसको विजिबल भी कर सकें अपने लोगों के साथ, और वो पूरा सामान जो हम एक बेटी को अपनी बहन को जो है वो देते हैं, जो मतवस्त तबके के लोग जो हम देते हैं। और तकरीबन आप क्या सोचते हैं कि एक शादी पे अगर हम करें, मतलब अपनी बेटी की शादी करें, अपनी बहन की शादी करें, तो कितना खर्चा हो जाता है? ये मैं सब आपको बताता हूँ, ये जितनी चीज़ें ना हम खुद जो है ना जो जो पंजाबियों कहते हैं साई पे, साई पे बुनाना, हमने ये जो 11 फर्नीचर है ना, 11 के 11 एक ही डिजाइन के, क्या बात है, एक ही किस्म के बनवाए हैं। अच्छा, ये जो पेटी सेट है ये भी 11 11 एक से, हर चीज एक ही, जो चीजें होंगी ना सारी एक ही तरह के, ये जो एक बेटी को मिल रहा है सामान दूसरी को भी सेम वही कंपनी वही क्वालिटी वही होगा। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि एक ही तरह की हर चीज है, यानी कि उन बेटियों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जिस तरह की मोहब्बत हम एक बेटी से करते हैं, इन 11 बेटियों से भी वही मोहब्बत है जो कि हम अपनी एक बेटी से करते हैं। तो सलीम भाई, यहाँ पे हमारे पास शादी का कार्ड है और बड़ा खूबसूरत आपने कार्ड डिज़ाइन करवाया, और ये भी नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पे ज़रूर हमारे नाज़रीन देखेंगे। और यहाँ पे आपने जो डेट जो रखी शादी की, 13 तारीख है, और हमने सोचा कि 13 तारीख को जैसे ही शादी होगी, लेकिन उससे पहले एक ऐलान जो है हमारे नाज़रीन तक ये जाना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए कि क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप जो है वो आखिर में कर क्या रही है, और सलीम शाकर जो है वो और उसकी टीम आखिर कर क्या रही है, ये भी हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए था। सलीम भाई, कोई और पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें? पहले नंबर तो मैं बताता हूँ कि ये जो हम शादियाँ कर रहे हैं, हाँ, हम ये यही सोच के कर रहे हैं और इसी तरह भाग दौड़ कर रहे हैं जिस तरह हम घर में अपनी बेटियों की शादी कर रहे होते हैं ना, वही सोच के, वो मेरी अगर यही सोच है कि मेरी बेटी की शादी हो उसमें क्या क्या खूबसूरती लाई जा सकती, किस तरह किया जा सकता। पहले नंबर तो वहाँ से हमने जो एक खूबसूरती मार्की है ना, हमें वहाँ पे एक मार्की 7 सीज जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब आए थे, अच्छा, वो 100 रुपये 150 रुपये पर हेड पे भी मिल रही थी। सही, ठीक है, हम वहाँ पे गए हैं जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये बादशाहों की बेटियाँ हैं और इनको हमने शहजादियों की तरह रक्षित करना है। अच्छा, सही, यानी कि वहाँ पे जो आपने उनका जो इंतजाम किया है वो शादी का, मार्की का, फिर हमने बकायदा इनके लिए बग्घियाँ वगैरह मंगवाई हैं। अच्छा, फिर उनके लिए वो बैंड का भी खुद ही बंदोबस्त किया है। जरा नाज़रीन को वहाँ सामने कैमरे में देख के जरा बताएं, नाज़रीन जरा सुने कि सलीम भाई बता रहे हैं कि उन बच्चियों के लिए जो शादी का इंतजाम है पूरा, उन्होंने किस तरह से एक शहजादियों की तरह जो है ये सारा इंतजाम किया, क्या क्या किया आपने जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। और फिर हमने इनके लिए बग्घियों का भी इंतजाम किया ताकि इनको रिसीव किया जा सके, पूरे हमने पूरी पूरी बारात मंगवाई है 50 लड़की वालों की तरफ से और 50 लड़के वालों की, यानी कि 100 लोग एक फैमिली को लॉ हैं, ये 11 फैमिली और 1100 लोग ये हैं, और 100-125 जो हमारे हैं वो वॉलंटियर्स जिन्होंने उधर काम करना है वो है, और 200 हमारे मेहमान जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशल्स भी हैं, जिसमें उमा कराम भी, हमारी चर्च लीडरशिप भी है, तो ये खूबसूरत गुलदस्ता हम कोशिश करें सजाने का, और उसको बेटियों के लिए वहीं पे निकाह का रेंज होगा वहीं पे, हमने यहाँ से लाहौर से हमारी बहनें जो ब्यूटिशन जो वॉलंटियरली जिधर जा रही हैं, जो लड़कियों को वो वहाँ पे तैयार करेंगी, वहीं उनको हर चीज़ मुहैया होगी, और फिर जब उनको वो इंटर होगी ना तो जैसे हम अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं बेहतर, वहाँ जो फूल सा बना हुआ है उसके ऊपर बैठ कर जैसे लड़की लड़का वो घूमते हैं, और उसी तरह फिर जो नार वगैरह आतिशबाजी वो होती है और फूलों के मशीन से फूल फेंकते हैं, वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, के लिए आपने पूरा जो है वो इंतजाम किया? हाँ, बिल्कुल, हमने ये सोचा है कि जिस तरह हम अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, इनको भी सेम वही इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जब ये वहाँ पे बाद में खाने की बात हुई, खाना इनके लिए क्या करना है, तो हमारे दोस्त हैं शाहिद लोन साहब, अल्लाह वाले ट्रस्ट के वो चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ पहले भी हमने दो उनके साथ प्रोजेक्ट किए हैं, जब कोविड आया था उनके साथ मिलकर हमने अपने इलाके में एक तंदूर मोहल्ले में ग्राउंड में लगाया था। अच्छा। और जहाँ पे दो टाइम सालन भी और रोटी भी ताज़ा पूरे मोहल्ले को, उसमें 20% क्रिश्चन थे और 80% मुसलमान थे, सही, वहाँ से लेके अगर किस घर के किसी 10 लोग थे ना, 20 रोटियाँ एक टाइम उनके लेके जानी है, पूरे देश की लेके पूरे घर का सालन लेके जाना है ताकि हमारे एरिया के लोगों को मांगना ना पड़े। सही। उसमें शाह लोन साहब हमारे साथ मिलके कंबाइन हमने जो ना को वेंचर किया था। सही। उसके बाद एक दो और का हमने इफ्तार पार्टी भी कराई थी, वो भी बहुत सारा रेंज हमने किया था, लेकिन हॉल वगैरह उन्होंने दिया था। अब भी जब उन लोन साहब से बात की मैंने,
कि जिस तरह हम अपनी ये जड़ा वाला की बेटियों की शादियाँ करा रहे हैं तो खाना सर आपने देना है। तो उन्होंने कहा, एक से डेढ़ मिनट की मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी क्या देना है, मैं कहा पूरी वन डिश देनी जो हम अपनी घरों में शादियों पर देते हैं, जिसमें चिकन भी होता है, जिसमें नान भी होते हैं, उस जिसमें चावल भी हैं, जिसमें रायता सलाद भी है, जिसमें बोतल पानी भी है और स्वीट में जर्दा वगैरह भी है। तो उन्होंने उसी वक्त डन कर दिया। उन्होंने कितने लोगों का, मैंने कहा जी 1200 थे लेकिन अब ये 1400 हो गए, दो शादियाँ बढ़ गई। उनके डन हो गया ये खाना हमारी तरफ से। तो ये खुदा इस तरह लोग मुहैया कर रहा है जो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, और ये खुदा ही सारा इंतजाम कर रहा है, हम नहीं कुछ भी कर रहे, ये हमें हमारी सभा से उसने ड्यूटी लगाई है कि आपने ये करना है। सलीम भाई, यहाँ पे ना एक बात एकदम से मेरे जहन में आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन भी हैं या मुस्लिम हैं, आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की फलाह के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चंद एक लोग हैं ऐसे जो कि पाकिस्तान के मोराल को या पाकिस्तान का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। जैसे अभी आपने कहा कि शाहद लोन साहब जो है वो इस काम में अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं, और ख़ास करके क्रिश्चियन बच्चियों की शादियों के लिए, तो ये एक अच्छा पैगाम जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से ये जो पाकिस्तान में आपस में मिलके रहना, इंटरफेथ हारमोनी के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, या फिर इस तरह से जो शादियों के जो प्रोग्राम हैं वहाँ पे हमारा इकट्ठा होना, आप क्या सोचते हैं कि कितना अहम है? जी, ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो लोग समझते हैं कि हम कट के रह सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। जब हम इस मुल्क में रहना है तो फिर मिलकर रहना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे की खुशी गमी को मिलकर सेलिब्रेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के दुख में बराबर का शरीक होना पड़ेगा, तभी ये पाकिस्तान चलेगा, तभी हम चलेंगे, तभी ये निज़ाम चलेगा। जी सलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आके इस इज्तमाई शादियों के प्रोग्राम के बारे में हमारे नाज़रीन को बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख को, जो कि आपने डेट रखी है और कार्ड पे मेंशन भी है और हमारे नाज़रीन ये देख भी लेंगे, 13 तारीख को खुदा करे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो और ये तमाम शादियाँ, तमाम बेटियाँ बखुशी जो है अपने घरों में रुखसत हों, और खुदा उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा जो है वो खुशियाँ लेकर आए, ताकि वो और ज़्यादा जो दुआएँ हैं उन लोगों के लिए भी कर सकें जिनको इन शादियों की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, अभी आपने सारी बातचीत को सुना है कि सलीम शाकर साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इज्तमाई शादियों के बारे में बताया, और हम नेशनल न्यूज़ामा की पूरी टीम जो है वो इस शादी के प्रोग्राम में जो है वो शामिल होंगे, और आपको जो तमाम जो प्रोग्राम है, जैसे अभी आज हमने सारी बातचीत की है, हम चाहेंगे कि आपको ये सारा प्रोग्राम दिखाएं कि किस तरह से वहाँ पे 11 बेटियों की जो शादियाँ हैं, किस धूमधाम से शादियाँ हुई, और अगर आप सलीम शाकर साहब के साथ या क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप की जो टीम है उनके साथ कोई हिस्सा डालना चाहते हैं, उनका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, और अगर नहीं भी तो आप दुआ के ज़रिया इस शादी के प्रोग्राम में उनका ज़रूर साथ दें। और जितने भी लोग नेशनल न्यूज़नामा को देखने वाले हैं, उन सबसे इल्तमास है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, और इस प्रोग्राम के लिए आप दुआ भी करें, ख़ास करके उन तमाम बेटियों के लिए जो कि सानिया जड़ावाला के बाद एक दुख की हालत में थे, एक परेशानी में थे, या वो सोच रहे थे कि शायद हमारी शादी जो है वो अब ज़रा देर से होगी या चंद सालों के बाद होगी, लेकिन सलीम शाकर साहब की पूरी काविश के साथ और ये जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप की जो पूरी टीम है उनके बिहाव से वो बहुत जल्द अपने पिया के घर में जो है वो सुधारने वाली हैं। तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, अगर कोई कमेंट्स है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें, और नेशनल न्यूज़नामा को आप देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, और इस बात के लिए भी आपसे इल्तमास करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम होते हैं उसको शेयर किया करें, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तौर पर आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम लेकर आएँ, ताकि हमारे क्रिश्चियन लोगों की जो पहचान है, हमारे क्रिश्चियन लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो आप लोगों के सामने वाजह हो सके। जिस तरह से सलीम शाकर साहब या उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने एक बड़ी काविश की और इस शादी के बड़े प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो नाज़रीन आप भी मैं फिर से ये कहूँगा कि ज़रूर उनका साथ दें, उनका हाथ बढ़ाएँ,
और किसी भी तौर से अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर आप उनकी हेल्प करने के लिए उनसे रابطہ करें। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक वैरो को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।